तो दोस्तों हमारे पास पल्सर आई हुई है जो कि स्लो में बंद हो रही है और गाड़ी रुक भी रही है और एक्सीलेटर भी बार बार लेना पड़ रहा है, गाड़ी झटके लेके बंद हो रही है। तो दोस्तों हमने इसका करंट चेक कर लिया है, करंट प्रॉपर आ रहा है, पेट्रोल भी हमने चेक किया है, पेट्रोल भी प्रॉपर आ रहा है। तो इसका कार्बोरेटर हम खोल कर देखेंगे और कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे। तो इस वीडियो में कार्बोरेटर क्लीन करना ही आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोरेटर को खोलने के लिए साइड के पैनल, सीट और टंकी को हटाना होगा। इससे कार्बोरेटर खोलने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। तो टंकी को और साइड के पैनलों को हटा देते हैं और कार्बोरेटर खोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने कार्बोरेटर में ये एलन की है, एलन की के बोल्ट दे दिए हैं, पहले पेच के आते थे, पेचकस वाले। तो दोस्तों इसको एलन की मदद से इस पेचों को खोलेंगे। तो कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कार्बोरेटर साफ करने के लिए एक क्लीनर ले लिया है, थ्रोटल बॉडी क्लीनर, इसी से हम कार्बोरेटर को साफ करेंगे। और थोड़ा पेट्रोल ले लिया है ये कुप्पी के अंदर हमने, तो इसमें पहले हम पेट्रोल से साफ करेंगे, जो भी ऊपर की भारी परत है उसको पेट्रोल से साफ करेंगे, फिर उसके बाद क्लीनर से इसको अंदर जो कार्बोरेटर के अंदर जो छेद वगैरह होते हैं उन्हें क्लीनर से साफ करेंगे। लेकिन बाहर से हम पेट्रोल से कार्बोरेटर को साफ कर लेते हैं। तो कार्बोरेटर को बाहर से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद दोस्तों जब जाकर हम इसे कार्बोरेटर को खोलेंगे और फिर अंदर से उसको क्लीन करेंगे, तो सबसे पहले हम कार्बोरेटर को खोल लेते हैं। कार्बोरेटर को हमने भारी परत साफ कर ली है पेट्रोल से, तो पेचकस की मदद से इसको खोलेंगे। तो तीनों पेचों को खोलने के बाद देखते हैं कार्बोरेटर के अंदर कितनी मिट्टी वगैरह है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ इसके अंदर ये गंदगी है, ये देखिए पता नहीं ये क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी गंदगी है, तो इसी वजह से ये गाड़ी प्रॉब्लम दे रही है। तो चलिए आगे, तो इसकी फ्लूड पिन वगैरह भी निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर हमने फ्लूड पिन वाला हिस्सा भी निकाल दिया दोस्तों। अब हम इसके जेडों को खोलेंगे, जो कार्बोरेटर के अंदर जेड होते हैं उन्हें खोलेंगे। तो दोस्तों यही है हमारा सब कुछ, हमारी दुकान, यहाँ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये बटरफ्लाई वाला हिस्सा है उसको भी खोल लेते हैं। हमें इस कार्बोरेटर को पूरी तरीके से खोलने के बाद जब ही हम क्लीन करके दिखाएंगे आपको, तो पहले हम बटरफ्लाई वाला हिस्सा भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों बटरफ्लाई वाला हिस्सा भी खोलने के बाद अब इसके अंदर देखो काफ़ी मिट्टी है, तो यहाँ इसके अंदर काफ़ी गंदगी है। तो चलिए अब इस कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं, ये पूरी तरीके से खुल चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा पेट्रोल से साफ कर लेते हैं, पहले जितने भी इसके अंदर होल होते हैं उनमें सब में पेट्रोल के प्रेशर लगा देते हैं, जिससे जो भी गंदगी हो वो इसकी निकल जाए। तो अच्छी तरीके से साफ करेंगे, जितने भी होल हैं उनमें सब में इसको पेट्रोल का प्रेशर लगा देंगे। तो कार्बोरेटर में प्रेशर लगने के बाद अभी इसे रख देते हैं, तो बाकी पुर्जे हैं उन्हें साफ कर लेते हैं, बटरफ्लाई वाला ढक्कन जो है उसको क्लीन कर लेते हैं। तो कार्बोरेटर को अच्छी तरीके से साफ करना है। अब ये इस जिब्बी को भी साफ कर लेते हैं, तो ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी अंदर से, तो अच्छी तरीके से पेट्रोल से साफ कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों जब भी आप कार्बोरेटर साफ करें तो कार्बोरेटर को बड़े अच्छी तरीके से साफ करना है, कुछ भी रह ना जाए। तो दोस्तों ये है जेड, तो ये जेड के अंदर आर पार होल होते हैं, इन्हीं की वजह से गाड़ी रुकती है और जो स्लो में बंद होती है इन्हीं की वजह से होती है, कार्बोरेटर में ये लगे रहते हैं। तो इनके जो छेद होते हैं आर पार होते हैं दोस्तों, ये दोनों जेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए ये जो जेड हैं इनके अंदर होल है, तो ये होल जो होता है वो आर पार होता है इसका,
तो ये जो है खुला रहना चाहिए। अगर ये बंद हो तो इसको तार से या किसी वायर से इसको क्लीन कर लें, इसको आर पार देखना चाहिए इसके, तो इस वजह से स्लो में बंद होती है। और अगर इसमें कचरा हो तो दोस्तों गाड़ी रुकती है, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। तो ये दोनों ही जेट जो है साफ़ होने चाहिए और ये इनके होल जो है आर पार होने चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसमें ज़रा भी कचरा नहीं होना चाहिए। चलिए इसे रखते हैं और आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो दोस्तों सब पुर्जों को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब हम क्लीनर से इस कार्बेटर को साफ करेंगे, यानी जो भी होल है इसके उनमें सब में क्लीनर मारेंगे। तो ये क्लीनर से जो भी फिर भी जो भी कचरा होगा वो इस प्रेशर से निकल जाएगा। इसका कार्बेटर के अंदर जितने भी होल हैं एक भी होल को छोड़ना नहीं है, सारे होलों में ये क्लीनर मारना है। इससे जो भी कार्बेटर के अंदर की गंदगी होगी सारी निकल जाएगी और कार्बेटर एकदम बढ़िया क्लीन होगा और गाड़ी रुकेगी भी नहीं और गाड़ी बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों कार्बेटर की अच्छी तरीके से सफाई क्लीनर ही कर पाता है, लेकिन पेट्रोल हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि क्लीनर जो है ज़्यादा ख़त्म ना हो। तो दोस्तों कार्बेटर जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम स्लो जेट इसके अंदर लगा देते हैं और जेट को कस देते हैं। तो दोस्तों जेट को अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज ना रह जाए। अब हम बड़े वाले जेट को भी इसके अंदर लगा देते हैं और इस जेट को भी अच्छी तरीके से ही टाइट करना है, लूज ना रह जाए। तो जेट को टाइट करने के बाद दोस्तों एक बार छोटे जेट को भी चेक कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं दोनों जेट। अब फ्लूइड पिन को बैठा देते हैं दोस्तों। तो फ्लूइड पिन को बैठाने के बाद दोस्तों इस पिन को लगा देते हैं इसके अंदर, अच्छी तरीके से लगाना है इसको। उसके बाद इसका पेच कस देते हैं। दोस्तों कभी भी कोई भी पेच खोलो तो उसको अच्छी तरीके से टाइट करना चाहिए। तो दोस्तों पेच को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद हम इसकी डिब्बी लगा देते हैं, डिब्बी को कस देते हैं। तो ये डिब्बी देख रहे होंगे आप एकदम नई जैसी हो चुकी है। तो चलिए इसे फिट कर देते हैं। तो यहाँ इसके पेचों को कसेंगे, अच्छी तरीके से टाइट करना है क्योंकि जरा भी कोई पेच जो है लूज रह गया तो इसमें से पेट्रोल का रिसाव रह जाता है और पेट्रोल लीक होता है। तो इसलिए इन तीनों पेचों को अच्छी तरीके से टाइट करना है दोस्तों। तीनों पेचों को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद अब जो है हम इसकी बटरफ्लाई लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस बटरफ्लाई को ना तो हमने पेट्रोल से साफ किया है ना ही क्लीनर से, क्योंकि सिर्फ हमें से ये रबड़ की होती है, सिर्फ हमें से कपड़े से साफ करेंगे, केवल कपड़े से ही पहुँचेंगे इसको। ना तो पेट्रोल से साफ करते हैं ना ही क्लीनर से साफ करना होता है, क्योंकि ये रबड़ की होती है, नाजुक होती है, तो रबड़ जो है केमिकल से ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं उससे साफ नहीं किया है, केवल हम इसको वैसे ही साफ कर देंगे कपड़े से। और अच्छी तरीके से साफ हो गई है, ये कपड़े से ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इसको बैठा देते हैं हम, और बटरफ्लाई को अच्छी तरीके से बैठाने के बाद ये किनोरियाँ बैठ जानी चाहिए, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का रिसाव नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए, ये ग्रुप बने रहते हैं। अब इसके बाद इस स्प्रिंग को लगा देंगे और ऊपर से इस प्लेट को लगा देंगे। तो स्प्रिंग को लगाने के बाद, इस प्लेट को लगाने के बाद इनके पेच जो है वो अच्छी तरीके से टाइट करना है दोस्तों। अब इन पेचों को कसने के बाद हमारा कार्बेटर हो जाएगा दोस्तों कम्प्लीट। तो कम्प्लीट कार्बेटर जब हो जाएगा तो फिर उस कार्बेटर को हम गाड़ी के अंदर फिट करके फिर उस कमी को चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारा कार्बेटर कंप्लीट हो चुका है और हम इसे गाड़ी के अंदर लगा कर ही आपको दिखाते हैं। तो कार्बेटर को हमने गाड़ी के अंदर लगा दिया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, तो गाड़ी एकदम बढ़िया है, गाड़ी कहीं नहीं रुक रही है एक्सीलेटर लेने पर और सिलेंडर भी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। ये हम इसका आरपीएम मीटर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये एक पर रुका हुआ है, यानी कि इसकी सेटिंग एकदम बराबर आई है, अच्छी आई है एकदम। तो स्पीड के साथ ही आरपीएम मीटर वर्क कर रहा है।
और कहीं कोई किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।